Dann habe ich schon. Viele ähnliche Islamic Muslims. Ja, sind auch so Routine. Und wir können ja auch so viele Worte sehen. Und als wir uns haben, oder Lektion, Mutalia Pakistan, ich bin gerade sehr froh, dass wir eine Lektion haben. Und wir haben die Jungs als Last Topic hier da. Jungs ja Pari, wo Nationalisation geht, als Start Pari. Kein Homie, der Bild mit Chapudo, Hummat, ne? सारे अदालों को दिया तो उसकी वजह से क्या असरात मतलब कुछ पॉजिटिव मुस्बत और कुछ मनफी असरात. हमने जो सब ना लास्ट टॉपिक में कल वाले लेक्चर तक हमने तरमीम के मुस्बत असरात तक पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि डॉक्टर ने जो उनसे यूनिवर्सिटीज तक क्लाइम की, उसके बाद उसने जितने भी प्राइवेट अदारे थे सबको कमिट कर दिया, उसमें जितने भी मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें जो उनसे थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट के सपोर्ट होगी. उसके बाद हमारा इस पर नेगेटिव आस्पेक्ट करता था, मतलब इसका मन भी पहले क्या हुआ था, मन भी असरात इसके क्या मतलब तक हुए थे, उसको आज हम पढ़ना शुरू करते हैं. मैं साथ साथ पॉइंट डिस्कस करता जाऊँ आप लोग को. पहला है बेटा निजी तरीबी अदारों को कौमी तरबी में लेने से उस और दीगर मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को कौमी खजाने से खर्च करना भी. कौमी खजाने पर बोझ पड़ने से हकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ. जैसे कि हमने पॉजिटिव जो उनसे इसके पॉइंट्स थे मुस्बत असरात उनसे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी प्राइवेट मुलाजमीन थे सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर. अब जाहिर बात है जब गवर्नमेंट ने उनको तनख्वाहें देनी है तो वो तनख्वाह पैसे कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को वो भी अदा करने पड़ेंगे. तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं आ रहे, मतलब इतने पैसे जमा नहीं हो रहे जितने ज्यादा ताकत हो रही है, ठीक है. सो उस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी वहां पर उस्तादा थे, जितने भी दीगर मुलाजमीन थे तालीम के शोबा से रिलेटेड, उन सबको हुकूमत को भी पैसे देने पड़ते थे. तो उस वजह से पैसे कौमी खजाने के पैसे कम होने की वजह से कौमी खजाने के ऊपर क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा पड़ने लग गया. मैं इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक घर है उसमें लोग रहते हैं तीन से चार, लेकिन फर्ज करें कि 10 या 12 लोग और उस घर में आ रहे हैं, लेकिन उस घर का जो सा प्रोसेस है इनकम प्रोसेस है वो सेम रहता है. वही प्रोसेस जो 3-4 बंदों के लिए था वही प्रोसेस इनकम का उन 15 बंदों को या 12 बंदों को ऐड करने के बाद भी है. तो ऑब्वियसली कि वो जो सा इनकम थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी. तो माइंड पॉसिबल के उस घर वाले को या वो जो घर को रन कर रहा है उसको क्या करना पड़े, कर्जा लेना पड़े दूसरे लोगों का पेट भरने के लिए. तो सेम ऐसे ही हुआ हुकूमत पाकिस्तान के साथ. हुकूमत ने के कौमियाने के इकदाम से प्राइवेट तलीमी अदारों के मालकान खुश थे, वो अपने तलीमी अदारे वापस लेने के लिए जदोजहद कर रहे थे. जारी बात है जिनसे प्राइवेट जिनसे तलीमी अदारे जिनसे थे वैसे भी जो उनसे दूसरी सनत दी हुकूमत ने अपनी अंडर ले ली थी, तो उनके मालकान जिनसे थे वो चाहते थे कि वो किसी ना किसी तरह जो उनसे वो अपने अदारों को रिगेन कर लें दोबारा वापस ले. तुलबा को तुलारों में आय देने से ट्रांसपोर्ट मिल मालकान और तुलबा के दरमियान का संघर्ष की एक नई सूरत हाल पैदा हो, मतलब सारी बात ऑब्वियसली कि जिसने पैसे लगाए हैं अपनी गाड़ी के ऊपर और स्टूडेंट उसके ऊपर बैठता है पर वो उसको कहता है कि मैंने आपको पैसे नहीं देने, या अगर मैंने आपको पैसे देने तो मैंने हाफ देने. तो इस तरह जो गाड़ी के मालकान थे वो तुलबा जिनसे थे उनके दरमियान एक कश्मकश होने लगी, लड़ाई झगड़ी होने लगी, आई दिन नए से नए केसेस सामने आने लगे. जैसा कि आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट ने जो उनसे बस को खड़ा किया उसको आग लगा दी या ड्राइवर या कंडक्टर को मारने शुरू कर दिए. हद से ज्यादा आजादी देने से तुलबा तलीमी सरगर्मियों से किनारे पक्षी करने लगे, जिससे बाद में बहुत तशवीश होने लगा, तनसीबें बनना शुरू हो गई स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी तनसीबें बनना शुरू हो गई. तो लोग बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे पढ़ाई की बजाय उन तनसीबों का हिस्सा बनना शुरू हो गए, ठीक है, जिससे तशवीश होने लगी, मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा कॉलेज को भी. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तुलबा तनसीबों ने सियासी जमातों के जरिए मुनज्जम शक्ल अख्तियार कर ली और अमन व अमान का मसला पैदा हुआ. जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस थी वहां पर बच्चों ने अपनी अपनी तनसीबें बना ली, तनसीबों का रुकन बन गए. जैसे कि ISF है, PTI है, ATI
तंजीमियां, ये तंजीमियां जिनकी वजह से मतलब तुलबा इनके मुकर बन जाते हैं और आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं बिना किसी ठोस वजह के। आगे बेटा मिल साहब का थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है वो है कामनेस और तजारत। तजारत क्या होती है? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, लेन देन करना, दरामदार और बरामदार करना, ठीक है। इसके मुस्बत असरात क्या होते हैं? सनअतों को कौमी तहवील में आने से सनअती पैदावार में इजाफा होगा। भुट्टो हुकूमत ने सनअतों को फरोग देना, बढ़ोतरी देना, परवान चढ़ाना के लिए मशीनरी और सनअती खाम माल होता है जो इब्तदाई माल की दरामदार की हौसला अफजाई की। इससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, तरक्की की राह पर गामजन हुआ, तरक्की की राह पर चलना। पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत तवाज़ुन तजारत से मुराद तजारत का कौन सा तवाज़ुन, मतलब जितनी चीज देखिए तजारत क्या होती है, किसी चीज बेचना और किसी चीज को मंगवाना, और इसमें तवाज़ुन कब होता है कि जितनी अमाउंट की रकम आप किसी मुल्क को बेच रहे हो या किसी मुल्क से ले रहे हो उतनी ही अमाउंट की, लगभग उतनी ही अमाउंट की रकम जो है आप अपने मुल्क में मंगवाओ या अपने मुल्क से भेजो, इसको कहते हैं तवाज़ुन तजारत। तवाज़ुन का मतलब क्या होता है? बराबरी। तजारत तजारत में बराबरी, मतलब दरामदार और बरामदार। अब क्वेश्चन जो साहब का सेकंड क्वेश्चन है वो यही है, दरामदार और बरामदार से क्या होता है? दर आमदाद का मतलब होता है दरामद करना, दर का मतलब होता है दरवाजा, दर का मतलब होता है दरवाजा, और दरवाजा से मुराद अंदर आना। तो दरामदाद से मुराद वो चीज जो हमारे मुल्क के अंदर आती है, ठीक है, जो हमारा मुल्क मंगवाता है। और बर से बे से याद रखना, बाहर भेजना। बरामदाद वो चीजें जो हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं। बरामदाद में इजाफा हुआ, हत्ता के सब्जियां प्याज भी बरामद होने लगे। जरिए इस्लाहात से जरिए पैदावार बेहतर भी, जिससे मुल्क और गैर मुल्क की तजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। आगे बेटा इसके मन की साथ है अफराते सर कहते हैं पैसे की कमी होना, से तनख्वाहदार तबका मुतासर। जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती थी हुकूमत के जो उनका खजाना था उसके ऊपर बोझ पड़ना शुरू हुआ क्योंकि सारे के सारे मुलाजमीन गवर्नमेंट के हो गए थे, तो अब उनकी जो तनख्वाहें थी वो कम हो गई, उनका जो पे स्केल था वो निचली सतह पर आ गया। रुपये की कदर कम होने से बरामदात में तो इजाफा हुआ लेकिन महंगाई में भी इजाफा हुआ। जैसे ही हमारी करेंसी जो होती है वो निचली सतह पर आती है, हम चाहे जितनी मर्जी बरामद करें लेकिन हमें हमेशा किसका सामना करना पड़ेगा? महंगाई का। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आजकल जिनसा डॉलर हमारे मतलब फर्ज करें कि अगर हमारे 145 रुपीज होते हैं और अमेरिकन एक डॉलर बन गए, ठीक है, तो मतलब अगर हम निपाते हैं हमारी कोई चीज बेचनी है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत लो है, हमने अपनी इकोनॉमी को पहले उसके बराबर लीड करना है, उसके बाद हमने अपनी किसी भी चीज को वहां पर बेचना है। सामान्य टैक्स के दरामद बढ़ी, सामान्य टैक्स होता है कि जो जरूरत से ज्यादा चीजें हम अपने पास रखते हैं, मतलब किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है तो हम उसको मंगवा लेते हैं, जैसे कि आजकल बॉयज में या हमारे घरों में या हमारे महिलाओं में नई ट्रेंड चला हुआ है, किसी भी चीज को अगर हमने कोई गाड़ी मंगवानी है तो हम कोशिश करते हैं हम आउट ऑफ द कंट्री मंगवाएं, अगर हमें कोई भी चीज लेनी है तो हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ द कंट्री ब्रांड से लें, ठीक है। तो ये सारी की हम दरामद करते हैं, जब भी हम किसी फॉरेन ब्रांड से कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम एक्चुअली अपने मुल्क में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनके मुल्क को उनकी कंट्री को पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ ब्रांड लाने के किराया पे करते हैं। सेम वैसे ही जैसे हम किसी अगर घर में रह रहे हैं तो हम वहां पर किराया जा रहे हैं तो हमने मालिक को किराया देना है, लेकिन वो जगह जो है वो हमेशा मालिक की ही रहती है। मशीनरी की दरामदी अखराजात में इजाफा हुआ, जिससे तवाज़ुन अदायगी मुतासर हुआ, मतलब मशीनरी जो है हम आप लोग को पता पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है बनाने के लेकिन उस पाए की नहीं बना पाता, तो हम सारी मशीनरी जो है जितनी भी स्पोर्ट्स की है या जितनी भी सर्जिकल की है वो सारी की सारी हम क्या करते हैं दरामद करते हैं बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। मुल्की खजाने पर बोझ पड़ने से जरे मुबादला के महफूज शिकायत कम होंगे। सर का मतलब होता है पैसा और मुबादला का मतलब होता है लेन देन, वो पैसा जो लेन देन से हमें मिलता है उसमें कमी हुई। 1973 में तेल की कीमतें ज्यादा होने से पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत खसारे की तरफ चला गया,
1973 में जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, जैसे कि अभी पिछले दिनों था जो सट्टे ये था जिनका 124 पर लीटर तक किया था, तो उससे क्या हुआ कि तवाज़ुन तजारत जो था उसको भी फंसा था, तो सारे का मतलब हुआ तगड़ा नुकसान हुआ। सो ये जो था हमारे मेन टॉपिक थे, जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से समझ आ जाए नेशनलाइजेशन के जो असरात हुए थे, पहला हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ, सनअत के ऊपर, दूसरा हमने पढ़ा था तलीम पर, और तीसरा और लास्ट हमने पढ़ा था तजारत और कॉमर्स पर। सनअत के जो हमने पढ़ा था वो सारे के सारा लेबर के अतबार से था कि लेबर को किस तरह आज़ादी दी गई, किस तरह लेबर के हकूक पूरे किए गए, ठीक है, क्योंकि हमारी सनअत और मतलब ज्यादा था किसके ऊपर है, सारे का सारा तकरीबन मजदूरों के ऊपर है। उसके बाद मंदी असरा सन क्या हुए थे कि लेबर आए दिन क्या करने लगे, मुराद के लिए जो है हड़तालें करने लगे। उसके बाद जो है सरमायादारों ने, क्योंकि सरमायादारों ने नजार था, उन्होंने सनकतें गाने छोड़ दी, मतलब इस तरह, और जो से मजदूर जो थे वहाँ पर फैक्ट्री में कोई भी अपना आता था वो सारी तरह सियासी प्रतियम होती थी, ठीक है, अपने बात के लिए होते थे। उसके बाद हमने तलीम में पढ़ा, तलीम में से किस तरह यूनिवर्सिटीज बनाई, किस तरह उसातिज़ा को जो है रैक किया गया था, उसातिज़ा के लिए क्लासेस लगाए ताकि उनको तरबियत अच्छे से अच्छी तरबियत दी जाए, आला मेयार के स्कूल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वगैरह काम किए गए। उसके बाद मंदी असरात को जब हम आते हैं तो हमने देखा कि जो उसने बच्चों का कराया स्टूडेंट्स का माफ किया था, उसकी वजह से बस ड्राइवर कंडक्टर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो एक हमेशा झगड़ा रहा। उसके बाद तलबा ने जो कुछ अपनी स्कूल में तंजीमें वगैरह बना ली जिसकी वजह से अमन वहाँ का मसला बना। उसके बाद हमने तजारत पढ़ा, ग्रामदान और ग्राम तक काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हुई कुछ मामले में काफ़ी ज़्यादा खराब हुई। सो बेटा आज का लेक्चर हमारा कम्प्लीट हो गया, ठीक है, सो इसके बारे में कोई भी मसला हो या मतलब आप लोगों ने लास्ट में पूछना है, इसके बारे में फीडबैक अपना लास्ट में दीजिएगा, किसी किसी समझ ना आई हो, किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरा उत्तर लाके बताना। ये तीन क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, दलील का निज़ाम किस तरह कौमी खजाने पर बोझ का सबब है, ठीक है, जो मंदी असरात है उसका पहला जो अच्छा पॉइंट है वो बोला ग्रामवाद और ग्रामवाद में आपको बता चुका हूँ। 1973 में हुकूमतों की मुश्किल का सामना करना पड़ा, कामर्स और तजारत के निज़ाम में बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट बड़ा है मंदी असरात में उसका ये इस क्वेश्चन का आंसर वो वाला पॉइंट है, ठीक है बेटा। होप सो कि आपको समझ आ गई, फिर भी अगर मेरा बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो उनसे फीडबैक के तौर पर लाजमी पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।